नेहा न्यायालय परिसर में संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है। यह संदिग्ध वकील की वेशभूषा में था। जब न्यायालय के वकीलों को इस पर शक हुआ तो उन्होंने इससे दस्तावेज मांगे, लेकिन वो किसी भी प्रकार के दस्तावेज दिखाने में असमर्थ रहा, जिसके चलते वकीलों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी है। ये वाकया मैहर का है, जहाँ फर्जी वकील विनोद त्रिपाठी को अधिवक्ता संघ ने रंगे हाथों पकड़ा। अधिवक्ता संघ के वकीलों ने बताया कि ये संदिग्ध व्यक्ति कई दिनों से न्यायालय परिसर में अपने आप को बड़ा हाईकोर्ट का अधिवक्ता बता रहा था। इसने एक महिला से केस के एवज में 40,000 रुपये लिए और इससे पहले भी ये कई केसों में पैसे लूट चुका है। जब संघ के वकीलों को विनोद पर शक हुआ तो उन्होंने इससे पूछताछ कर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा। तब विनोद ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर दे पाया और ना ही कोई दस्तावेज दे सका। अधिवक्ता संघ ने इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी विनोद को हिरासत में ले लिया और उसके पास से 40,000 रुपये नकद और एक स्कॉर्पियो और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। वहीं अधिवक्ता संघ ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। विगत लगभग 6 माह से कई दिनांकों पर ये तथाकथित अधिवक्ता की गणवेश में ये व्यक्ति जो है न्यायालय में सिविल कोर्ट परिसर में आते थे। कई बार स्थानीय अधिवक्ताओं द्वारा इनके संबंध में जो है शंका व्यक्त करते हुए मौखिक तौर पर हमसे कहा गया। हमने इनसे लगभग 1.5-2 माह पहले से इनसे जो है इनके रजिस्ट्रेशन की कापी, सनद की कापी और इनका ला मार्कशीट वगैरह, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पहचान के, हमने इनसे मांगा कि आप हमको ये प्रदान कर दीजिए, परंतु ये बार बार उक्त दस्तावेज देने से बचते रहे। जो आवेदन देखा और उक्त महिला ने बताया कि वह आवेदन किसी अन्य प्रकरण से संबंधित है, वो कुछ और बयान दे रही थी और इन्होंने कुछ अन्य ही उस आवेदन पे लिखा था। उससे 40-45 हज़ार रुपये करीब शायद वो बता रही है कि हमसे लिए हैं। तो ये काफ़ी दिनों से शिकायत आ रही थी, उस संबंध में हम लोगों ने इनसे बस सिर्फ जनरली पूछा कि क्या विषय है आपका, रजिस्ट्रेशन क्या है। तो रजिस्ट्रेशन का जैसे ही हमने नाम लिया तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन दिखाने से मना कर दिया और वहाँ से भागने लगे। हमारे संबंधित अधिवक्ता साथियों ने उनको पकड़ा और घेर के फिर उनसे पूछताछ की। जब उन्होंने बताने से मना किया तो हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। माननीय जज साहब ने थाना मैहर कंप्लेन कराई, फ़ोन किया और तब तक संबंधित थाना से पुलिस गई, कार्रवाई के लिए उनको लेके आए हैं थाना। हम लोग शिकायत करने भी आए हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।